गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 4 और मैं जो हूँ अभी फिलहाल ना बोईसर रेलवे स्टेशन पे। व्यू दिखाता हूँ आपको मैं, तो आपको समझ में आएगा। ये है अपना बोईसर रेलवे स्टेशन। व्यू कम आएगा क्योंकि ब्राइटनेस कम है इसके लिए, ठीक है। सुबह सुबह का समय पूरा चारों तरफ पूरा शांति ही शांति, सन्नाटा पसरा हुआ है। और अभी गाड़ी आने वाली है और मुझे जाना है। आज एक प्लान है बागोबा मंदिर, जिसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है। इतना अच्छा डेवलप, मतलब अच्छा खासा बना दिया गया है उसको, जो कि है मान में। बस एक छोटा सा ही ब्लॉग रहने वाला है, तो चलता हूँ थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। एक नया ब्रिज बना है जिसका, तो एक मिनट। भविष्य में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये जो ब्रिज है, ये नया ब्रिज बना है अभी फ़िलहाल में। ये ब्रिज बहुत लंबा ब्रिज है, काफ़ी लंबा ब्रिज बनाया गया है इसको। और ये अपना पीछे बोईसर रेलवे स्टेशन। पीछे रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज काफ़ी लंबा है, उसको एकदम बनाया गया है। बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया गया है, बहुत टाइम लेता है ये ब्रिज। और पहले यहाँ पे विशाल बिल्डिंग था, उसे तोड़ दिया गया, आधा ज़्यादा तोड़ दिया गया है क्योंकि ब्रिज बनना था। और बोईसर अभी यहाँ से 2 ट्रैक और जाने वाला है, जो आपको पीछे दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म बनने वाला है, 2 ट्रैक और जाने वाला है। और शायद वह काम बहुत ढीला चल रहा है, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट चेंज हो गया इसके लिए कि अदर कुछ प्रॉब्लम है। काम बहुत ढीला चल रहा है क्योंकि काम पहले फास्ट हो रहा था, लेकिन अभी बहुत स्लो हो गया। तो बस, तो मिलते हैं, मैं बागोबा मंदिर जाता हूँ, तो रास्ते का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। और बस सुबह के 4 बज रहे हैं, जाने थोड़ा वेट करिए, थोड़ा देर के बाद थोड़ा साफ़ हो जाए मौसम, उसके बाद निकलता हूँ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ओके फ्रेंड्स। हाँ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आप बोलोगे बोईसर में नहीं है भाई, तो देख लो भाई, पीछे आपको रेलवे स्टेशन का बोर्ड दिख रहा होगा, सामने गाड़ी आई है, शटल आई है। ठीक है, शटल आ गई, नज़दीक आ गई, ये शटल खड़ी है सामने पीछे। तो बस छोटा सा अभी, तो चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट डे, और मैं हूँ अभी, देख रहे लंबा सा लाइन लगा हुआ है, ये CNG भराने के लिए लंबा सा लाइन गाड़ियों का लाइन लंबा है। सामने CNG पंप और इस तरफ इतनी लंबी लाइन। ये पीछे मशीन दिख रहा है ना आपको, ये रेड वाली पीछे, ये एयर कंप्रेसर है। इसी की वजह से CNG जो है ना प्रेशर में उस पंप तक पहुंचती है। तो सामने बाटला भी है, एक मिनट दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं दिखाई देगा, अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो नया कंपनी है और अभी काम चल ही रहा है उसका, बहुत ज़ोर शोर में काम कर रहे हैं। पीछे वाली कंपनी बहुत ज़ोर शोर में काम कर रही है। और छोटा सा व्यू था, मिलते कुछ है, देखता हूँ मैं, चलिए निकलता हूँ यहाँ से, मैं भी निकल रहा हूँ, तो बाद में मिलता हूँ। व्यवसाय जो है नांदगांव में भी, वही मच्छी पालन का व्यवसाय सबसे, ये बीच के किनारे जितने भी एरिया है ना, सभी लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली है, ठीक है। मछली पकड़ना, मछली बेचना, और मछली से ही इनका घर, सभी चीज़ पूरा इनका मछली पे ही डिपेंड है। नांदगांव बीच काफ़ी सुंदर है और नांदगांव बीच में काफ़ी हद तक सुविधाएँ अवेलेबल है। यहाँ पर शादी के लिए फंक्शन हॉल है, प्लस बीच के किनारे बड़े बड़े होटलें हैं, मतलब सुविधा सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। नांदगांव बीच काफ़ी खूबसूरत है, प्लस कैसा है, बगल में डांडी बीच भी है और तारापुर बीच भी है, चिंचनी बीच भी है। सब ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, आपको 5-5, 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर के रेंज में सब कुछ है। वो तो शाम पीछे दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन पीछे अगर आपको कोई चिमनी दिख रहा है,
चिमनी जो है वो तारापुर परमाणु बंदर बम जहाँ विद्युत केंद्र है उसका चिमनी है वो। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ शेयर भी करें।